फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सी रेसिपी, ब्रेड पिज़्ज़ा। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं एंड सिंपल है, और ये रेसिपी भी बहुत इजीली बन जाती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 finely chopped onion, 1 finely chopped capsicum, 1 finely chopped tomato, 1.5 tablespoon oregano, 1.5 tablespoon chili flakes, नॉर्मल ग्रेटेड चीज़ लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 tablespoon salt, 2 tablespoon शेज़वान चटनी, 2 tablespoon tomato ketchup, एंड लास्टली हमने लिया है 4 pieces of bread। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम फाइनली चॉप्ड ऑनियन ले लेंगे। फिर हम फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम ले लेंगे। फिर हम फाइनली चॉप्ड टोमेटो ले लेंगे। इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम 1.5 tablespoon salt डाल लेंगे, बिकॉज़ चीज़ भी थोड़ा सॉल्टी होता है, इसलिए हम 1.5 tablespoon ही ले लेंगे। अब हम इसमें 1.5 tablespoon oregano डाल देंगे। एंड 1.5 tablespoon chili flakes डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। सो फ्रेंड्स, अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है शेज़वान चटनी एंड टोमेटो केचप। तो यहाँ मैंने शेज़वान चटनी एंड टोमेटो केचप दिया है, और हम इस इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसे और स्पाइसी बनाना है तो इसमें थोड़ी सी और चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। तो ये रेडी है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा का सॉस। अब मैंने एक प्लेट में ब्रेड स्लाइसेस ऐसे रख लिए हैं। इन पे अब हम ये सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हमने जो ऑनियन, टोमेटो एंड कैप्सिकम की टॉपिंग बनाई है वो हम इस पे स्प्रेड कर लेंगे।
अब हम इस पे ये ग्रेटेड चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इन ब्रेड स्लाइसेस को अब हम माइक्रोवेव प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिनके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है वो आप तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तवे पर ये स्लाइसेस ऐसे 10 टू 15 मिनट्स रख के और इसे ढक कर ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रख लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे कर लेंगे और 15 मिनट्स के लिए सेट कर देंगे। ध्यान रखिए 15 मिनट से ऊपर इसे नहीं रखना है हमने, नहीं तो चीज़ जल सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा यहाँ पे बनकर रेडी है। दिखने में बहुत ही कलरफुल दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही यमी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कैसे लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना। मिलते हैं तब तक और एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।